अच्छा जी, आज हम डिस्कस करेंगे अरिथमेटिक प्रॉपर्टी। अरिथमेटिक प्रॉपर्टी ये कि फॉर ए बी बिलोंग टू आर इफ ए लेस देन बी देन ए लेस देन ए प्लस बी बाय टू लेस देन बी। ये हमारे पास अरिथमेटिक प्रॉपर्टी कि अगर a लेस देन b है तो इन a और b के दरमियान हमारे पास क्या होगा, a प्लस बी बाय टू। तो इसका हम प्रूफ करेंगे एज गिवन दैट a इज लेस देन b। अब ये स्टेटमेंट में गिवन है कि a लेस देन b। अब हम यहां पे दोनों तरफ ऐड कर लेते हैं, एडिंग ए ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ ए ऐड करेंगे क्या बन जाएगा, ए प्लस ए लेस देन ए प्लस बी, एंड ए प्लस ए विच इज टू ए लेस देन ए प्लस बी, और टू जब जाके डिवाइड हो जाएगा तो ए लेस देन ए प्लस बी बाय टू, इसको हम क्या कह लेते हैं, वन कह लेते हैं। ठीक है, नाउ अगेन ए लेस देन बी, नाउ एडिंग बी ऑन बोथ साइड्स बन जाएगा ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी, दोनों तरफ हमने क्या किया है, बी को ऐड कर दिया। तो अब यहां पे ये बन जाएगा ए प्लस बी लेस देन बी प्लस बी 2b। अब वो 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा तो a प्लस b बाई टू इज लेस देन b, इसको हम क्या कह देते हैं, 2। अब इन दोनों को कंबाइन करें कंबाइनिंग 1 एंड 2, तो इक्वेशन 1 इनइक्वालिटी 1 क्या कहती है कि a लेस देन a प्लस b बाई टू, और 2 में आगे a प्लस बी बाई टू का रिलेशन है किसके साथ, b के साथ। तो ये हमारा क्या है, विच इज रिक्वायर्ड। ये हमारा रिक्वायर्ड था, ये है हमारे पास जी अरिथमेटिक प्रॉपर्टी की। अगर a लेस देन b हो तो फिर क्या होता है, a लेस देन a प्लस b बाई टू लेस देन b। ठीक है, तो इसी को अप्लाई करके हमने एक और थ्योरम करना है। तो इसलिए मैंने कहा कि पहले आपको ये अरिथमेटिक प्रॉपर्टी प्रूव करवा दूं और इसको अप्लाई करके आगे फिर हम थ्योरम भी इसको प्रूव कर सकते हैं। हमारा नेक्स्ट थ्योरम है कि प्रूव दैट, बल्कि क्वेश्चन है, if a set S excite that X squared is bounded then least upper bound of S is क्वेश्चन ये हमें हमारे पास एक सेट एस है, इसमें किस किस्म के रियल नंबर हैं जिनका स्क्वायर क्या होगा, लेस देन 3 होगा। ठीक है, और ये एक बाउंडेड सेट है। ठीक है, तो हमने ये बताना है कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा, हमने प्रूव क्या करना है कि इसका जो लीस्ट अपर बाउंड होगा वो कितना होना चाहिए, स्क्वायर रूट 3, ये हमने प्रूव करना है।
क्लियरली स्क्वायर रूट थ्री एंड एवरी रियल नंबर ग्रेटर देन थ्री इज अपर बाउंड ऑफ एस, क्योंकि हमारे पास जो सेट है इसमें क्या है कि एक्स स्क्वायर लेस देन थ्री वाले नंबर है, ये दूसरे लफ्ज़ों में आप क्या कह सकते हैं कि एक्स इज लेस देन स्क्वायर रूट थ्री, तो इसमें हमारे पास जो नंबर मौजूद है वो क्या है लेस देन स्क्वायर रूट थ्री है, तो स्क्वायर रूट थ्री इसकी अपर बाउंड होगी और स्क्वायर रूट थ्री से बड़े जितने रियल नंबर हैं वो सारे इसकी अपर बाउंड होंगे। टू प्रूव एल यू बी ऑफ एस, हमारा टारगेट क्या है कि इसकी लीस्ट अपर बाउंड वो क्या होगी स्क्वायर रूट थ्री होगी, तो हमने ये प्रूव करना है, तो उसके लिए हम ये सपोज करते हैं कि लेट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इक्वल टू अल्फा, हमने सपोज कर लिया है कि हमारे पास वो क्या है अल्फा है, अब हम अल्फा की वैल्यू फाइंड करेंगे कि अगर अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री आ गया तो फिर ये चीज प्रूव हो जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं कि अब अल्फा भी हमारा एक रियल नंबर है और स्क्वायर रूट थ्री भी रियल नंबर है, एस अल्फा एंड स्क्वायर रूट थ्री बिलोंग टू आर, और अब यहाँ पे हम अगर ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी यूज करें तो उसके मुताबिक दो रियल नंबर के दरमियान कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं, तीन, ठीक है जी। देन बाय ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी देर आर थ्री केसेस, अब नंबर वन जो होगा, नंबर वन होगा केस नंबर वन के अल्फा इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट थ्री, नंबर टू क्या होगा अल्फा इज लेस देन स्क्वायर रूट थ्री, और नंबर थ्री क्या हो सकता है अल्फा इक्वल टू स्क्वायर रूट थ्री। ट्राइपार्टाइट प्रॉपर्टी यही हमें बताती है कि कोई से दो रियल नंबर हो तो उसमें कितने रिलेशन पॉसिबल होते हैं, तीन होते हैं, तो अब ये दो रियल नंबर हैं तो ये नंबर क्या होगा या अल्फा ग्रेटर देन स्क्वायर रूट थ्री होगा या अल्फा लेस देन स्क्वायर रूट थ्री होगा या अल्फा इक्वल टू थ्री, तो इन तीनों में से एक चीज लाजमी ट्रू होगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं केस वन डिस्कस करते हैं, केस वन क्या है कि अल्फा इज ग्रेटर देन थ्री, अल्फा इज ग्रेटर देन थ्री, तो या इसको आप क्या लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट थ्री इज लेस देन अल्फा, स्क्वायर रूट थ्री इज लेस देन अल्फा, तो अब यहां पे हमारे पास क्या होगा, इसमें अभी जो हमने रिजल्ट पढ़ा था बाय अरिथमेटिक प्रॉपर्टी, अर्थमेटिक प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं, अर्थमेटिक प्रॉपर्टी हमने अभी डिस्कस की है, अभी प्रूव किया है, वो क्या होती है कि अगर a लेस देन b हो तो a लेस देन a प्लस b बाय 2 लेस देन b होगी, तो अब हमारे पास ये चीज a बन गई, ये चीज b बन गई, इस पर अर्थमेटिक प्रॉपर्टी अप्लाई करें तो क्या होगा स्क्वायर रूट थ्री इज लेस देन स्क्वायर रूट थ्री प्लस अल्फा डिवाइड बाय 2 इज लेस देन, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये इनइक्वालिटी जो अरिथमेटिक प्रॉपर्टी के लिहाज से अब यहां पे अब इससे क्या पता चल रहा है कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाय टू इज लेस देन अल्फा, ठीक है। तो अब ये चीज हमारे पास क्या है लेस है किससे अल्फा से, और अल्फा क्या हमारे पास लीस्ट अपर बाउंड है, तो इसका मतलब है कोई भी चीज जब रियल नंबर होगा जो अल्फा से छोटा होगा वो बिलोंग कर जाएगा किसको एस को, ठीक है। तो यहां से हमें फिर ये पता चल रहा है कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाय टू बिलोंग टू एस, ठीक है। तो हमने ये आधी इनइक्वालिटी डिस्कस की ये वाली, तो इससे क्या रिजल्ट मिला कि ये जो दरमियान में नंबर है अल्फा प्लस स्क्वायर रूट थ्री बाय टू ये क्या है एस का एलिमेंट है,
लेकिन अब अगर इसकी मजीद बात अब इसको अगर डिस्कस करें तो स्क्वायर रूट 3 इज लेस देन अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2, या आप कह सकते हैं कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इज ग्रेटर देन स्क्वायर रूट 3। तो अब हमारा ये जो रियल नंबर है ये क्या बन गया, स्क्वायर रूट 3 से बड़ा बन गया। और एस की कंडीशन क्या है कि इसके पास कौन से नंबर हैं जो स्क्वायर रूट 3 से छोटे होंगे। तो अब हमें यहां से ये पता चल रहा है कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 डज नॉट बिलोंग टू एस, क्योंकि स्क्वायर रूट 3 से छोटे नंबर जो है एस रियल नंबर सेट के एलिमेंट होंगे। तो अब ये नंबर जो है ये स्क्वायर रूट 3 से बड़ा है तो इसका एलिमेंट नहीं हो सकता। तो एक ही नंबर को हम क्या कह रहे हैं कि एट द सेम टाइम वो एस को बिलोंग करता है और एस को बिलोंग नहीं भी करता। तो ये क्या आगे दिस इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों आई है, दिस कॉन्ट्रडिक्शन अराइजेस ड्यू टू आवर सपोजिशन। अब इट्स मीन जो हमने स्टार्ट लिया था वो गलत था, तो हेंस अल्फा इज नॉट ग्रेटर देन स्क्वायर। तो हमें ये पता चला कि ये जो पहला केस है ये तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा, अल्फा जो है ना वो स्क्वायर रूट 3 से बड़ा नहीं होगा। तो अब हम जो है दूसरा केस लेते हैं, केस 2, केस 2 क्या है कि अल्फा इज लेस देन स्क्वायर रूट 3। अब वही बात, अब ये दो रियल नंबर हैं, अब इस पे अरिथमेटिक प्रॉपर्टी अब दोबारा अगेन मैं अप्लाई करूं तो क्या होगा कि अल्फा इज लेस देन अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3 लेस देन स्क्वायर रूट 3। तो अब यहां से क्या पता चलता है कि अब मैं फिर वही बात आधी इनइक्वालिटी ये डिस्कस करता हूं, तो अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 इज लेस देन स्क्वायर रूट 3। तो अब कोई भी चीज जब स्क्वायर रूट 3 से छोटी है, कोई भी रियल नंबर जो कि स्क्वायर रूट 3 से छोटा होगा वो किसको बिलोंग करेगा, एस को बिलोंग करेगा। तो यहां से ये पता चला कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 बिलोंग टू एस। तो ये एलिमेंट हमारा बिलोंग कर गया इस सेट एस को। ये हमने ये वाली इनइक्वालिटी डिस्कस की है। नाउ अब ये इसको डिस्कस करें कि अल्फा इज लेस देन अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 या अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइड बाय 2 इज ग्रेटर देन अल्फा। ठीक है, तो अब इसका जो लीस्ट अपर बाउंड है हमने वो क्या सपोज किया हुआ है, अल्फा लिया हुआ है। तो लीस्ट अपर बाउंड से कोई भी बड़ा एलिमेंट इसका एस का एलिमेंट नहीं हो सकता। एस के एलिमेंट की खासियत क्या होगी कि वो लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस यानी कि अल्फा से छोटे होंगे। कोई भी चीज जो अल्फा से बड़ी होगी वो एस को बिलोंग नहीं करेगी। तो अब यहां पे ये नंबर क्या है, ग्रेटर देन अल्फा है, अल्फा से बड़ा है। तो इससे ये पता चला कि अल्फा प्लस स्क्वायर रूट 3 बाय 2 डज नॉट बिलोंग टू एस। तो अब यहां पे देखें, हमने अगर ये केस कंसीडर करते हैं तो एट द सेम टाइम हम क्या कह रहे हैं कि एक एलिमेंट एस का एलिमेंट है, फिर ये कह रहे हैं कि वही एलिमेंट एस का एलिमेंट नहीं है। तो ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता कि हमारे पास एक एलिमेंट हो और वही उसका हो भी एलिमेंट और ना भी हो। ठीक है, तो विच इज नॉट पॉसिबल। तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो स्टार्ट किया था वो अलग था, यानी कि केस टू भी हमारा सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो तीनों में से एक का ट्रू होना लाजमी था। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट बचा है वो थर्ड केस बचा है वो लाजमी ट्रू होगा। नाउ अल्टीमेटली थर्ड केस जो है अल्फा इक्वल टू क्या होगा, स्क्वायर रूट 3 होगा। और अल्फा क्या था, लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस, तो विच इंप्लाइज दैट लीस्ट अपर बाउंड ऑफ एस इक्वल टू स्क्वायर रूट 3। और यही हमारा टारगेट था, यही चीज प्रूव करना था। तो ये हमारा जो है ना लेक्चर पे कंप्लीट हो गया।